स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाणा पर। स्टूडेंट्स, आज हमने ऑनलाइन टेस्ट एक रखा था जिसमें शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हम लोग ऐसी थीम से शायद पहली बार जुड़े, इसलिए हम इस टेस्ट को कैसे ओपन करना है, कैसे करना है, उसको समझ नहीं पाए कि क्या प्रोसेस हम लोग अपनाएं। तो उसी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम का आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद टेस्ट का लिंक मैं वापस ऑन करवा दूंगा एक बार, एक घंटे के लिए। तो आप उस एक घंटे के दौरान वापस उस टेस्ट को कर सकते हैं, और कल सुबह आपका एग्जाम रिजल्ट आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9928782905 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमने प्रोसेस क्या अपनानी है। सबसे पहले जब आप वीडियो ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद आपको ये जो कर्सर यहाँ दिखाई दे रहा है, राउंड लगाया हुआ है मैंने, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ बिल्कुल नीचे लिंक दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे लिंक दिया हुआ है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने टेस्ट ओपन हो जाएगा, जो इस प्रकार का होगा। वो टेस्ट ओपन होगा, वो इस प्रकार का टेस्ट होगा। ये वो टेस्ट ओपन हो गया है, सबसे पहले ये वो टेस्ट ओपन हो गया आपके सामने। सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं ईमेल एड्रेस, तो यहां आपने अपना ईमेल एड्रेस, आपने यहां अपना ईमेल एड्रेस भरना है। जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस सिडाणा शशि 905@gmail.com फिल कर देता हूं। उसके बाद नेम फिल कर देना है, उसके बाद फादर नेम फिल हो जाएगा, जैसे मैं फिल कर रहा हूं साथ साथ। फादर नेम फिल होने के बाद आप लोग जब नीचे आएंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, ये नेसेसरी है, आपने भरना ही भरना है। जैसे मैं मेरा मोबाइल नंबर यहां भर रहा हूं। उसके बाद एड्रेस जस्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे मैं जस्ट शॉर्ट में श्री विजयनगर लिख रहा हूं। फिर आपके क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं, जस्ट एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, जस्ट एक क्वेश्चन रोंग या राइट जैसे भी फिल होगा, ये मैंने फिल कर दिया है। बस जिस क्वेश्चन को मैं टच करता जाऊंगा वो क्वेश्चन फिल होता जाएगा इस तरह से। कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं करेक्ट नहीं भर रहा हूं, तो आप लोग ये मत भर देना, ये इस तरह से फिल होता जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा मेरे पास सबमिट का, बिल्कुल नीचे ये सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप इसकी एक कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेंड मी ए कॉपी ऑफ माय रिस्पांस कर सकते हैं, तो आपके पास एक कॉपी भी आ जाएगी आपकी मेल आईडी पर। अदरवाइज आप इसको ऑफ रहने दें तो आपके पास वो मेल आईडी पर आपकी कॉपी नहीं आएगी। अगर आप मेल आईडी पर इस टेस्ट की एक कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो सेंड मी ए कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स पर आप क्लिक कर दें, आपकी मेल आईडी पर आपके टेस्ट की कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद ये आ गया, योर आंसर शीट हैज बीन सबमिटेड, तो ये आपको नोटिस प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ व्यू स्कोर पर क्लिक करके अपना स्कोर भी देख सकते हैं। मेरा स्कोर यहाँ 0 आने वाला है, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही मैं व्यू स्कोर पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा स्कोर आ जाएगा 0। तो ये मैंने क्योंकि गलत आंसर फिल किए थे तो इसलिए 0 स्कोर शो हो रहा है। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि कोई भी स्टूडेंट वापस एडिट करने का प्रयास न करे। कई स्टूडेंट्स ने आज वापस एडिट करने का प्रयास किया है, वो मैसेज हमारे पास आ जाता है, तो वो वापस एडिट वाला आपका आपकी स्क्रीन पर एक्सेप्ट हो रहा है पर हमारे पास नहीं आ रहा है।